आपके मन में भी ख्याल आता होगा या क्वेश्चंस आते होंगे कि कौन सा कलर ले, कौन सी कंपनी का ले, कौन सा कलर किस यूज के लिए होता है। तो आज हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कलर आपको लेना चाहिए या मतलब कौन सा आपको यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। देखिए छोटा सा इंट्रो मैं दे देता हूँ, बाकी डिटेल वीडियो में बता दूंगा। ये है सुपा विप के पाउडर कलर जो हम विप क्रीम पे बहुत ज्यादा ब्राइट कलर देने के लिए यूज करते हैं। ये सारे हैं मेरे पास जेल कलर्स, इसको भी हम क्रीम में डालते हैं कलरिंग के लिए। ये है हम पे ऑयल कैंडी कलर और ये है हम पे चॉकलेट कलर। तो ऑयल कैंडी कलर और ये ड्राई पाउडर जो है चॉकलेट कलर, दोनों ही चॉकलेट में यूज करते हैं। ये महंगा आता है, ये सस्ते होते हैं। ये है मिस्ट कलर, आपने देखा होगा जो फ्लावर्स वगैरह बनाते हैं ऊपर से मिस्ट करते हैं, वो ये कलर है। ये है ग्लिटर, ये ग्लिटरिंग इफेक्ट देता है केक पे, जैसे रोज वगैरह आप लगा लेते हैं फ्लावर पे। ये सिल्वर है, गोल्ड में भी आता है। और ये है गोल्डन डस्ट, गोल्डन ग्लिटर जो शिमर केक्स होते हैं या पेंट करना होता है फोंडेंट वगैरह को, इससे करते हैं। लिक्विड एवाप्रोक्स को इसमें मिला लेते हैं अपनी गोल्डन में पाउडर में, गोल्डन डस्ट में, और ये ग्लिटर यूज करते हैं शिमर केक में। ऊपर से यूज कर सकते हो आप पंप की हेल्प से। ये लिक्विड कलर्स होते हैं लॉयन कंपनी के, चिराग कंपनी के, अभी तक मैंने यूज किए हैं। हालांकि ये ज्यादा यूज नहीं करने चाहिए, बिटर हो जाती है आपकी क्रीम। ये एसेंस है दोनों, तो एसेंस का काम आपको पता ही है, ये पाइनएप्पल है, वनीला मैं बहुत कम यूज करता हूँ। और ये है एमल्शन, ये तो IFF कंपनी का है, बहुत फेमस कंपनी है। और ये RR कोई कंपनी है उसका है एमल्शन। एमल्शन का काम क्या होता है, इसमें कलर भी होता है एसेंस भी होता है। अगर आपको मैंगो क्रीम बनानी है पेस्ट्री वगैरह के लिए तो आप इसको डालेंगे दो ढक्कन, तो इससे एसेंस भी आ जाएगा और कलर भी साथ के साथ दे देगा। तो चलिए फिर, अगर आज की वीडियो पसंद आए, नॉलेजिबल लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैजिक कलर्स के, सुपा विप पाउडर कलर्स की। ये आपके क्रीम में बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, 6 का सेट है, 5-5 ग्राम की एक डिब्बी है और तकरीबन शायद मुझे 500 रुपये की ये पड़ी थी। बहुत ज़्यादा आपको जब ब्राइट कलर देना हो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं जेल कलर्स की। जेल कलर्स आपको जैसे पता है क्रीम को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कंपनी में आपको दिखाता चलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस क्या कहते हैं। तो ये है कलर लैंड का जेल कलर, ये 60 रुपये की शायद मुझे मिली थी, ऑन एन एवरेज ठीक है अगर आपको ये मिलता है तो। लेकिन बेस्ट ब्रांड मैं आपको बताता हूँ, ये है मैजिक कलर, मैजिक कंपनी का ब्लैक कलर, या कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कंपनी की वजह से। तो मैजिक कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं जेल कलर्स में, और ये कलर मिस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलर देता है, और आपको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है, काफ़ी अच्छा खासा कलर ये दे देता है। ये कोई किंग लाइट कंपनी है, लोकल कंपनी थी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटरी कलर है, एक तरीके से वाटर कलर ही कह सकते हैं। और ये है बेक हेवन का आपका जेल कलर, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, और पेपिलॉन जो मैं लास्ट में दिखाऊंगा। तो ये चार कंपनी के एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैजिक कलर, एक बेक हेवन, एक कलर मिस्ट, एक पेपिलॉन, सारे कलर चारों कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ी क्वांटिटी में भी यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा खासा कलर दे देते हैं। ठीक है, और ये आपकी क्रीम को बिटर भी नहीं करते। तो ये हो गए जेल कलर, ये सिर्फ आपको क्रीम में यूज़ करने हैं और कहीं यूज़ नहीं होते हैं ये। अब यूज़ कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं मतलब कि ये है गोल्डन ग्लिटर और गोल्डन डस्ट। तो गोल्डन डस्ट आपने मेरे को कई बार देखा होगा, मैं पेंट करता हूँ लिक्विड एवाप्रोक्स या एल्कोहल मिला के, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। चॉकलेट बॉल्स वगैरह बनाते हैं उनके ऊपर भी ये ड्राई भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कई बार जो केक को पेंट करते हैं गोल्डन या ब्राइट ब्लू, उस तरीके से भी ये कलर आते हैं। तो और ये है गोल्डन ग्लिटर, आपने शिमर केक देखा होगा जिसमें बहुत सारे ग्लिटर्स लगे रहते हैं, तो ये पंप के हेल्प से हम यूज़ करते हैं इन्हें। तो ये बेक हेवन के आते हैं, और ये भी बेक हेवन का ही है शायद, लिक्विड एवोपेरेक्स। ठीक है, इसको भी साइड में कर लेते हैं। और ये होते हैं मिस्ट कलर, मेरे पास ये चिराग कंपनी के हैं, काफ़ी अच्छे कलर हैं, बट मैं यूज़ नहीं करता, बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। और आपने देखा होगा जो रोज़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और कई बार ऊपर से जब आपने देखा हो कलर करते हैं, वो यही कलर होता है। तो मैं तो यूज़ नहीं करता, मैं तो क्रीम में कलर मिला लेता हूँ और डायरेक्ट फ्लावर वगैरह बना लेता हूँ रोज़ वगैरह।
तो लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो तो चिराग कंपनी के आप ले सकते हैं। ये है ग्लिटरिंग सिल्वर रेनबो ग्लिटर कंपनी का, ये भी अच्छा है। अगर आपको जैसे रोज़ पे ग्लिटर लगाने हैं, जैसे फूल पत्ती आप लगाते हो या केक पे कहीं पे भी थोड़ा सा ग्लिटरिंग इफेक्ट देना है, तो इसी सिल्वर और गोल्ड में भी आता है। यहाँ हम बात कर लेते हैं, ये है ऑयल कैंडी कलर, ये भी 60-70 रुपये का मिलता है। इसको चॉकलेट को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो इसे क्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग अलग सेपरेट करके रखे हुए हैं। ऑयल कैंडी कलर को सिर्फ हम चॉकलेट में यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार ख़त्म हो जाए तो फिर जेल कलर इजीली मिल जाते हैं, ऑयल कैंडी कलर इजीली नहीं मिलते। और ये है कलर मिस्ट कंपनी के, ड्राई फॉर्म में पाउडर कलर हैं, ये भी चॉकलेट कलर्स हैं, इन्हें चॉकलेट कलर्स कहते हैं, लेकिन ये थोड़े महंगे आते हैं, 400-500 रुपये, 600 रुपये तक का ये डब्बा आता है, लेकिन काफ़ी चलता है ये भी। और मेरे ख्याल से तकरीबन हमें अब तो 1 साल हो गया इन्हें, अभी तक देखो आपके सामने है। हाँ, काम बड़ा होता, काम ज़्यादा होता तो जल्दी ख़त्म भी हो जाता, लेकिन आपके पास अगर बजट कम है तो आप ऑयल कैंडी कलर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपको और अच्छे कलर मिले, तो आप कलर मिस्ट के ये ड्राई कलर यूज़ कर सकते हो। अब सेकेंड लास्ट नंबर है, ये है वाटर कलर्स, तो लॉयन कंपनी के हैं, मैंने चिराग के भी यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं दोनों ब्रांड। बट इन्हें आप ज़्यादा यूज़ ना करें क्रीम के अंदर, क्योंकि ये क्रीम को कर्डल भी करते हैं बाद में और एक बिटर टेस्ट भी दे जाते हैं, तो थोड़ा सा ही डालें और इससे भी कलर आ जाता है। ये है हमारे एसेंस, IFF कंपनी के एसेंस हैं, पाइनएप्पल और वनीला। और ये है एमल्शन, एमल्शन में एसेंस प्लस कलर दोनों होते हैं, तो आपको कलर एक्स्ट्रा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एसेंस वगैरह मैं कम यूज़ करता हूँ, बहुत ही रेयरली यूज़ करता हूँ, लेकिन जो लोकल शॉप्स होती हैं, पेस्ट्री शॉप्स होती हैं, वो यूज़ करते हैं, जैसे पेस्ट्री वगैरह में डालने के लिए यूज़ कर लेते हैं, मैं तो यूज़ नहीं करता। तो आशा करता हूँ आपको आज समझ आ गया।